आज यहाँ पे वजीराबाद बराज में इतना सा पानी बचा है कि उसमें हमारे सामने चिड़िया उस पानी में खड़ी है। वहां पे बीच में से मिट्टी दिखने लग गई है, आइलैंड्स दिखने लग गए हैं। तो जो सारा पानी यहाँ से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, इन तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ने पानी के प्रोडक्शन की अब समस्या हो रही है। हम तो एक बार फिर हरियाणा से अपील करेंगे कि दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं, हम हरियाणा से अपील करेंगे कि वो यहां पर यमुना में पानी छोड़ें, क्योंकि वो जब तक यमुना में पानी नहीं छोड़ेंगे दिल्ली में पानी की कमी लगातार बनी रहेगी। दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन यमुना के पानी से होता है, वो पानी एक हिस्सा पानी यहाँ पे वजीराबाद बराज पे आता है, दूसरा मुनक कनाल से बवाना कांटेक्ट पॉइंट पर आता है। एक तरफ मुनक कनाल में पानी कम आ रहा है, दूसरी तरफ वजीराबाद बराज पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। इस परिस्थिति में दिल्ली वालों की पानी की सप्लाई ही कम हो रही है, क्योंकि यमुना से पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी साफ होके हमारे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाता है, अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी नहीं जा रहा तो वहां से सप्लाई का पानी पूरा कैसे पहुंच सकता है। मैं तो बस हरियाणा सरकार के सामने हाथ जोड़ सकती हूं कि आज दिल्ली वालों का जीवन उनके हाथ में है, दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं, लेकिन जब तक हरियाणा यमुना में पानी नहीं छोड़ेगी तब तक दिल्ली वालों को राहत नहीं मिलेगी। आज यहाँ पे वजीराबाद बराज में इतना सा पानी बचा है कि उसमें हमारे सामने चिड़िया उस पानी में खड़ी है, वहां पे बीच में से मिट्टी दिखने लग गई है, आइलैंड्स दिखने लग गए हैं। तो जो सारा पानी यहाँ से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, इन तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ने पानी के प्रोडक्शन की अब समस्या हो रही है। हम तो एक बार फिर हरियाणा से अपील करेंगे कि दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं, हम हरियाणा से अपील करेंगे कि वो यहां पर यमुना में पानी छोड़ें, क्योंकि वो जब तक यमुना में पानी नहीं छोड़ेंगे दिल्ली में पानी की कमी लगातार बनी रहेगी। दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन यमुना के पानी से होता है, वो पानी एक हिस्सा पानी यहाँ पे वजीराबाद बराज पे आता है, दूसरा मुनक कनाल से बवाना कांटेक्ट पॉइंट पर आता है। एक तरफ मुनक कनाल में पानी कम आ रहा है, दूसरी तरफ वजीराबाद बराज पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। इस परिस्थिति में दिल्ली वालों की पानी की सप्लाई ही कम हो रही है, क्योंकि यमुना से पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी साफ होके हमारे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाता है, अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी नहीं जा रहा तो वहां से सप्लाई का पानी पूरा कैसे पहुंच सकता है। मैं तो बस हरियाणा सरकार के सामने हाथ जोड़ सकती हूं कि आज दिल्ली वालों का जीवन उनके हाथ में है, दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं, लेकिन जब तक हरियाणा यमुना में पानी नहीं छोड़ेगी तब तक दिल्ली वालों को राहत नहीं मिलेगी। आज यहाँ पे वजीराबाद बराज में इतना सा पानी बचा है कि उसमें हमारे सामने चिड़िया उस पानी में खड़ी है, वहां पे बीच में से मिट्टी दिखने लग गई है, आइलैंड्स दिखने लग गए हैं। तो जो सारा पानी यहाँ से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता था, इन तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ने पानी के प्रोडक्शन की अब समस्या हो रही है। हम तो एक बार फिर हरियाणा से अपील करेंगे कि दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं, हम हरियाणा से अपील करेंगे कि वो यहां पर यमुना में पानी छोड़ें, क्योंकि वो जब तक यमुना में पानी नहीं छोड़ेंगे दिल्ली में पानी की कमी लगातार बनी रहेगी। दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन यमुना के पानी से होता है, वो पानी एक हिस्सा पानी यहाँ पे वजीराबाद बराज पे आता है, दूसरा मुनक कनाल से बवाना कांटेक्ट पॉइंट पर आता है। एक तरफ मुनक कनाल में पानी कम आ रहा है, दूसरी तरफ वजीराबाद बराज पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। इस परिस्थिति में दिल्ली वालों की पानी की सप्लाई ही कम हो रही है, क्योंकि यमुना से पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी साफ होके हमारे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाता है,
अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी नहीं जा रहा तो वहां से सप्लाई का पानी पूरा कैसे पहुंच सकता है। मैं तो बस हरियाणा सरकार के सामने हाथ जोड़ सकती हूं कि आज दिल्ली वालों का जीवन उनके हाथ में है। दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं, लेकिन जब तक हरियाणा यमुना में पानी नहीं छोड़ेगी तब तक दिल्ली वालों को राहत नहीं मिलेगी।